चाचा कहाँ लेके जा रहे हो? ये गेहूँ पिसवाने के लिए ले जा रहे हैं, वो जहाँ बगैर बिजली और बगैर डीजल की चक्की बनी हुई है। गेहूँ लेकर आते हैं और साइकिल चलाइए और अपने गेहूँ पीस कर ले जाइए। ले जाइए, साइकिल वाला वो पैडल है, साइकिल से संचालित है। नमस्कार सर। नमस्ते। तो गंगाराम जी, आपने बनाई है ये साइकिल? जी। तो ये मतलब बिना बिजली बिना डीजल पेट्रोल से चलती है? जी सर, मानव श्रम पर आधारित है, यानी चलाएगा। चलिए थोड़ा सा बताइए, जैसे हमारे पास ये गेहूँ आ गए हैं, ये तो ये हमने ले लिए, चलिए ये इसमें डालना है। चलिए ये गेहूँ हमने डाल दिया, ठीक है। अच्छा, इधर से आप जो है अपना पैडल घुमाते रहते हैं। जैसे जैसे पैडल घूमता है उसी हिसाब से ये की चाक जो है वो घूमते रहते हैं। और इधर साइडों में आप देखेंगे जो गेहूँ है पिसकर वो साइडों में निकलता रहता है, और यहाँ से निकलकर इस साइड से उसको फिर वो बाहर निकाल लेते हैं। इसका थोड़ा मैकेनिज्म आप थोड़ा सा नीचे समझाइए आप। ये हो गया हमारा पैडल। जी सर, इसका चैन के माध्यम से यहाँ एक साफ्ट में फ्लाईव्हील लगा है। ये साफ्ट हो गई पूरी? हाँ। ये हमने ये पूरा चैन लगा दिया। हाँ। ये हमने ये घुमाई चैन से, ये वाला चक्कर जो है वो घूमने लगा, रोक लीजिए। और ये कनेक्टेड है चाक इस वाली साफ्ट से, जो हमारा ऊपर जो चाक लगे हुए हैं उनसे घुमाता है। और जैसे जैसे फिर ये घूमती है वैसे वैसे वो घूमने लगता है। इसको अगर अंदर दबाओगे बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा, और इसको बाहर खींच दोगे तो वो बड़ा हो जाएगा, उससे गेहूँ ज्यादा निकलने लगेगा। ये देखिए, ये जैसे जैसे अपना ये पैडल घुमाते रहते हैं वैसे वैसे जो है चीजें ये चाक घूमने लगता है, गेहूँ पीसने लगते हैं। और नीचे की तरफ यहाँ पर आप देखेंगे इस पाइप की सहायता से यहाँ से गेहूँ जो है वो हमारा बाहर निकल जाता है। कितनी कैपेसिटी है इसकी? एक में 5 किलो गेहूँ पीस देगा। एक घंटे में 5 kg पीस देगा। जी। तो ये इतनी आपने, इतना विज्ञान इंजीनियरिंग ये चीजें आपने कहाँ सीखी? आपने क्या बीटेक किया हुआ है या क्या इंजीनियरिंग की पढ़ाई की हुई है? बीटेक नहीं किए हैं, बीकॉम की पढ़ाई किए हैं, और उसके बाद 10 साल हम बहुत दिल्ली में अन्य अन्य जगह पर काम सीखते थे। तो हमने साइकिल और रिक्शा का मैकेनिक का काम किया, और उसी से आपने ये नए नए फिर इनोवेशन किए। जी। अच्छा सर, ये कैसी मशीन है? ये भी आपने बनाई है? नहीं, हमारे मित्र राम मिलन भारद्वाज जी ने बनाया है। ये आपके साथ ही है? हाँ, राम मिलन भारद्वाज जी। जी सर। नमस्कार सर। नमस्कार। थोड़ा बताइए इस मशीन के बारे में, ये कैसी मशीन बनाई है आपने? ये मशीन जो है मानव श्रम पर संचालित है, इसमें धान डाला जाएगा। ठीक है। तो धान डालने के बाद चावल और धान इधर आएगा। ठीक है। छिलका इसका इधर निकलेगा। ओके। तो ये केवल छिलका ही उतारती है। अच्छा, तो राममिलन जी ये काम कैसे करती है? हाँ। ये हमारे पास मुंजी हो गई, ये हमने इसमें जो है अपना धान जो है वो डाल दिया, अब ये काम कैसे करेगा दिखाइए जरा। इसको हम चलाएंगे। ये आप अपना सवारी पे बैठ चुके हो, अब राममिलन जी चल दिए हैं अपना लेकर सवारी। जैसे जैसे ये घुमाएंगे तो देखिए धीरे धीरे ऑटोमेटिक जो धान है वो नीचे की तरफ जाता रहता है, और नीचे जा जाके वो यहाँ पे आता रहता है। यहाँ से चावल बाहर निकलते हैं, और यहाँ से क्या निकल रहा है सर? छिलका। छिलका। और यहाँ पे ये ब्राउन राइस निकल जाते हैं।